हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा। वेलकम बैक टू माय चैनल तरुणा प्रधान। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि मैं अभी अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के फेज में हूं। तो मुझे पहले एक 10 साल की बेटी है, उसके बाद में अभी मैंने सेकंड बार कंसीव किया है। अपना इस बार का प्रेगनेंसी का पूरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि फिफ्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है, फिफ्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे वो रहता है फिफ्थ वीक। तो फिफ्थ वीक बेसिकली डिस्क्लोज का वीक होता है, जिसमें कि हमें पता लगता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। कुछ कुछ हमें ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे कि हमें आइडिया लगता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो मेरे केस के अंदर जो फिफ्थ वीक है, आप ये मानो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड मंथ का जस्ट स्टार्टिंग होता है। वो फिफ्थ वीक के अंदर मेरे केस में जो सबसे पहले प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थे वो स्टार्ट हुए। उसके अंदर एक सिम्टम ये था कि मुझे अपने ब्रेस्ट के पास में हल्का हल्का पेन महसूस हो रहा था और मुझे अपने यूट्रस के पास में भी हल्का सा एकदम ऐसे खिंचाव लग रहा था। पेन नहीं कहूँगी, थोड़ा खिंचाव लग रहा था, जैसे हम ऐसे अंगड़ाई वगैरह लेते हैं, तो आई फेल्ट कि मुझे थोड़ा खिंचाव लग रहा है। उसके अलावा मुझे इतनी ज़्यादा टायर्डनेस लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती। मेरा जो सोसाइटी है उसके अंदर 1 किलोमीटर का एक वॉकिंग राउंड है और मैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ में 10 राउंड आराम से लगा लेती थी। लेकिन उस दिन मैंने रियलाइज किया कि मैं सेकेंड राउंड के अंदर ही थक रही हूँ। हमारी एक स्पीड भी एक कंसिस्टेंट होती थी, ऐसा स्लो स्पीड नहीं होती थी, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं एक प्रॉपर स्पीड के अंदर जब चल रही थी तो मुझे ऐसे फील हुआ कि मैं सेकेंड राउंड के अंदर ही बहुत ज़्यादा थक रही हूँ। मतलब मुझमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। 10 राउंड तो मैं सटने में भी नहीं सोच सकती थी उस टाइम पे। तो इस तरीके से हुआ। तो ये 2-3 सिम्टम्स थे जो मुझे स्टार्टिंग के अंदर हुए, जो मुझे फर्स्ट डे फील हुए। एक दिन मुझे ये तीनों सिम्टम्स एक साथ आए रियलाइज्ड। तो उसके बाद में क्या हुआ कि समहाउ मेरे माइंड में अभी 3-4 महीने पहले तक तो था बेबी बेबी, लेकिन अभी मेरे माइंड में इतना ज़्यादा नहीं चल रहा था, क्योंकि हम लोगों को घर भी शिफ्ट करना है। हम लोगों ने अभी घर वगैरह परचेज किया तो वहाँ भी शिफ्टिंग वगैरह करना था, इंटीरियर चल रहा था। तो मेरे माइंड में समहाउ ये चीज़ एकदम से क्लिक नहीं हुई कि मैं प्रेग्नेंट भी हो सकती हूँ। तो लेकिन ये मेरे हस्बैंड के माइंड में क्लिक हुई। उन्होंने मुझे बोला कि तुम टेस्ट करके क्यों नहीं देखती हो। तो मैंने कहा अरे हाँ, मतलब हो सकता है। तो फिर मैंने जैसे ही टेस्ट की किट मैं लेकर आई, सबसे पहले सब वही करते हैं, तो जैसे ही मैं टेस्ट की किट लेकर आई तो क्या हुआ कि ऐसा बोला जाता है कि आपको वो मॉर्निंग में करना होता है टेस्ट, अर्ली मॉर्निंग आपको करना होता है। बट मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हुआ और मैंने तो हाथों हाथ ही वो टेस्ट कर लिया। और उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको 2 लाइन्स आती हैं तो फिर आप प्रेग्नेंट हो, और अगर आपको 1 लाइन आती है तो फिर आप नेगेटिव हो, मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हो। तो बहुत ही इजीली 2 लाइन्स आ गई थी और हमें पता लगा कि हाँ हम प्रेग्नेंट हैं। तो जो प्रेगनेंसी का जो फिफ्थ वीक होता है वो बेसिकली अर्ली सिम्टम्स का वीक होता है। उस वीक में पता लगता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। उस वीक से ही हमें हमारी जो डेट है वो नहीं आने लगती है, तो वो एक बेसिकली डिस्क्लोज का वीक होता है कि आपको किस तरीके से पता चल रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो फिर मेरी बॉडी के वाइज जैसे ही मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे सबसे पहले तो ये याद आया कि मुझे लीजा के टाइम पे एक्सट्रीम नोजिया था। एक्सट्रीम नोजिया मतलब मुझे बहुत वॉमिट्स होती थी। 2 तरह की प्रेगनेंसी होती है, एक जिसकी बहुत स्मूथ निकल जाती है, जिन्हें पूरी प्रेगनेंसी में ही कोई वॉमिट नहीं होती है, और एक ऐसी प्रेगनेंसी होती है जिनके अंदर आपको पूरा दिन वॉमिटिंग के अलावा कोई काम ही नहीं होता है। तो मेरी जो लीजा वाली प्रेगनेंसी थी वो बिल्कुल वैसी थी कि मुझे पूरा दिन वॉमिटिंग के अलावा कुछ सोचने का फुर्सत ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ वॉमिटिंग और मुँह का टेस्ट ही मेरा पूरा फोकस रहता था। तो जैसे ही मुझे फिफ्थ वीक में पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो फर्स्ट चीज़ तो मेरे माइंड में वो आई कि अब मुझे वॉमिट स्टार्ट होगी। वो एक मेंटली होता है कि आपके माइंड में आ जाता है जो आपके साथ में पहले हुआ होता है। तो लेकिन मुझे फिफ्थ वीक में समहाउ मुझे उस वीक के अंदर उतना ज़्यादा वॉमिट नहीं हुआ था, उतना ज़्यादा वॉमिट नहीं था मुझे फिफ्थ वीक के अंदर। तो मैं काइंड ऑफ खुश थी कि मैं कुछ चाहूँ तो खा सकती हूँ, क्योंकि लीजा के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड खाना हो गया था और जो वो खाना था वो भी वॉमिटिंग में निकल जाता था। लेकिन अगर मैं अपनी एनर्जी लेवल्स बोलूँ तो वो तो सुपर लो थे। फिफ्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है।
समय ऐसा होता है कि हम कुछ काम कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा डाउन होते हैं, ऐसे लगता है कि शरीर में कुछ हिम्मत ही नहीं है। कई बार बहुत नींद आ रही होती है और ऐसे लेटने का मन करता रहता है। ऐसा भी नहीं है कि लेटते ही कोई नींद आ जाएगी, बस लेकिन लेट के ही अच्छा लगता है। ऐसे बहुत थकावट सी, जैसे कि शरीर में कुछ एनर्जी ही नहीं है, इस तरह से मुझे फील हो रहा था। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि विद इन 1 डे के अंदर ये सारे सिम्टम्स मेरे स्टार्ट हो गए थे। इस टाइम पे क्या होता है कि हमें हमारे यूट्रस के आसपास थोड़ा बहुत खिंचाव महसूस होता है, क्योंकि जो हमारा यूट्रस है वो काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा होता है इस टाइम पे। उसका उसके अंदर इतने सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं, तो उस कारण से जो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट इतने सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मेजर चेंज हो रहा होता है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है या बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल्स डाउन होते हैं। तो हमें उस टाइम पे अपनी बॉडी को समझना और उसको रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली केसेस के अंदर सेकंड ट्राइमेस्टर में सेम केस नहीं रहता है और हमारी बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट कर लेती है। फिफ्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे का जो हृदय है, मतलब उसका जो हार्ट है, वो डेवलप हो रहा होता है सबसे पहले। उसके बाद में उसकी हार्ट बीट आनी स्टार्ट होती है, तो फिर इट्स अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ हिज हर हर बॉडी। तो फिर हमें उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ऐसे लथार्जिक, टायर्डनेस, एनर्जी लेवल्स एक्सट्रीम लो, क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से इतना ज़्यादा काम कर रही है कि हमें बाहर से बहुत ही ज़्यादा ऐसे थकावट महसूस होती है। तो उस टाइम पे फिर हमें हमारी बॉडी की उन सब सिम्टम्स को समझना चाहिए और हमारी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। तो ये है फिफ्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी का, जो मैंने आज भी आपके साथ में शेयर किया कि मुझे कैसा फील हुआ था। तो अभी मैं आपके साथ में नेक्स्ट शेयर करूंगी कि सिक्स्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी कैसा रहा।